हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कैसे हमेशा अच्छे रहें। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द रियल टेस्ट। आपका स्वागत है आज के फ्रेश न्यू एपिसोड में। दोस्तों, आप आज का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे वीडियो किस टॉपिक पे है। आज से पहले जब मुझे ये चीज़ नहीं मिली थी जो वीडियो में दिखाने वाले हैं, उससे पहले मैं सोच रहा था कि 5 रुपये में सिर्फ ऐसी लोली पॉप मिल पाती है हमें खाने के लिए। हम ऐसी लोली पॉप भी खा पाएंगे 5 रुपये में, लेकिन हम लोग बिल्कुल गलत थे। ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, ये सर्दियों के लिए बचा के रखा करो, गर्मियों के लिए कुछ और लाए हम आपके लिए आज। ये सर्दियों में अच्छी लगती है, सैडम लगता हूँ सभी भाई। गर्मियों के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं, देखो भाई क्या लाया है। देखा मज़ा आया कि नहीं आया? आया मज़ा? चलो कमेंट करके बताना क्या मज़ा आया कि नहीं आया। दोस्तों, ये हैमर की तरफ से है। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जब हमने 10-10 रुपये वाले कौन दिखाए थे आपको। दोस्तों, जो बात है वो ये है कि जो 10-10 रुपये वाले कौन थे, हम इकट्ठा कर रहे थे कि हम 5 रुपीज़ चैलेंज करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया पॉसिबल, क्योंकि कोई कंपनी ज़्यादातर है जो 5 रुपये की चीज़ बनाती नहीं है। मुझे ऐसी आइसक्रीम की कंपनी मिली हैवमर। हैवमर ही ऐसी है जो 5 रुपये में कोई सामान बनाती है, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। और आज से पहले तो हम वैसी लॉलीपॉप खाते आए हैं, तो ये आइसक्रीम लॉलीपॉप बनाई है हैमर ने 5 रुपये की। देखो, जो लोग ब्रांडेड भी खाना चाहते हैं और सस्ता भी खाना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई सही है बिल्कुल ये, ठीक है। अगर आपने पहले खाई है ना, तो कमेंट करके बताना कि वो कैसी लगी थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है, क्या कुछ है। मेरे पास 2 फ्लेवर है इसके। एक ये है चॉकलेट फ्लेवर लग रहा है, और एक स्ट्रॉबेरी शायद, ये ऐसे लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी। तो ये शायद थोड़ा पिघल गया है, लेकिन फिर भी दिखाऊंगा आपको कैसा है टेस्ट में। तो दोस्तों, पहले चीज़ दिखाते हैं। स्वीटेस्ट काइंड ऑफ बाइट चोको बाइट, चोको चॉकलेट कवरिंग कोटेड मीडियम फैट आइसक्रीम। तो इसमें फैट भी कम है। एक और कुछ करिए आप लोगों के लिए। तो ये 5 रुपये की है, और ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह दी हुई है। ये क्या दिया हुआ, सर्विंग सजेशन, क्रिएटिव विजुलाइजेशन। तो भाई ऐसे ही थोड़े से यहाँ पे न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है हमें, ठीक है, पढ़ लेना पूरे से। नेट वॉल्यूम इसके 18 ml है। वहाँ पे हमें 10 रुपये में 40 ml आइसक्रीम मिल रही थी जब हमने कौन करी थी, याद है आप लोगों को? तो वो पहले वाली वीडियो भी देखने पड़ता था जाके। इंग्रेडिएंट्स देखो, ये मिल जाते हैं हमें। आउटर लेयर के अलग हैं, अंदर के सामान के अलग हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। गर्मी बहुत है यार आजकल, आइसक्रीम बहुत जल्दी पिघल जाती है, तो इसे थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, उसके लिए माफ़ करना, ठीक है भाई। तो ये मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है? मांस फ्रोजन फूड प्राइवेट लिमिटेड। भाई मतलब फरीदाबाद की कंपनी है ना, देख लो आप लोग, ठीक है। ऐसा कुछ मिलता है हमें यहाँ पे। इसे खोल के दिखाते हैं, काफ़ी देर होगी बाहर के दर्शन करते हुए इसके, ठीक है भाई। निकाल दिया मैंने इसे बाहर। ये देखो और भाई देख लो इसे, अच्छी लगी है मेरे को तो काफ़ी देखने में। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ अभी, और एक ये देखो, किसमें फ़ायदा भाई, गर्मी में भी और साथ में माल भी ज़्यादा लग रहा है इसमें। इस एल्पिन लीबे की लॉलीपॉप से तो इसमें ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो भाई गर्मी में ना यही खाओ, अगर अच्छी लगती है तो वीडियो में अभी दिखा देते हैं कैसी कुछ है, ठीक है। तो इसे साइड में रख देते हैं, और आपको उसको और वो वाली और दिखाता हूँ, दूसरी वाली कैसी है। तो भाई जो दूसरी वाली है हमारी, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, जो थोड़ी पिघल चुकी है। तो इसमें दिखाता हूँ क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, बस्ट योर बबल विद अ लॉलीपॉप मीडियम फैट आइसक्रीम 5 रुपये, मेड ऑफ मिल्क, वेज वाला सिंबल भी बना हुआ था वहाँ पे। और ये देखो एनर्जी, ये सब न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसकी 15 ml है, इसकी नेट वेट उससे कम है। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है भाई, ये देख करो। और यहाँ पे भी वैसे कुछ मिल जाता है, मान फूड फ्रोजन फूड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, फरीदाबाद, ये सब ये यहाँ पे मिल जाता है। और इसे खोल लेते मैंने, 5 रुपये की ये भी, ठीक है। देखो जैसा मेरा अंदाज़ा था, मुझे हाथ लगा के पता लग रहा था कि पिघल चुकी है, लेकिन भाई ये देखो कैसी निकली अंदर से, लॉलीपॉप की शक्ल बिगड़ चुकी है। पर मैंने जनरली देखा कि चॉकलेट वाली होती है ना, जिनके बाहर कोटिंग होती है, उन्हें पिघलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये जो ऐसी होती है ना, ये बहुत जल्दी पिघल जाती है, बहुत जल्दी फूस जाती है, ठीक है। तो भाई देख लो इसे, अगर आपको शोर करना है ना, तो यही लेना। देखो इस पर भी पिघल गई, इस पर 2 फ्लेवर होगा आ गया, चॉकलेट भी और स्ट्रॉबेरी भी, ठीक है भाई। मजाक कर रहा था, हम खाली चॉकलेट फ्लेवर टेस्ट करने वाले हैं, चल दूर रखते हैं इसे, थोड़ी पिघल गई इसके अंदर, इसे भी साइड में रख देते हैं अभी के लिए। तो
और देखते हैं, दिखाते हैं आपको इस वजह से टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि मरने वाली है बिल्कुल ये, ठीक है जी। बहुत गंदा फ्लेवर है इसका भाई, स्ट्रॉबेरी तो बिल्कुल क्या कहते हैं ये जो च्युइंगम जैसी थी तो इसकी स्मेल है थोड़ी थोड़ी, और टेस्ट बिल्कुल गंदा है इसका, मत लेना ये, ठीक है भाई ये मत लेना, इसे टेस्ट कर लेना शायद ये अच्छी लगे, है ना, कुछ भी हो सकता है। भाई अच्छी है, सेम है ये चोकोबार के अंदर, बाहर हार्ड कवरिंग होती है और अंदर मिल्क भरा होता है ना, वैसा ही है इसमें भी, ये लेना भाई अच्छी है सही में, चॉकलेट वाली पैसा वसूल कर देती है, पर ये वाली मत लेना बेकार है वो, ठीक है। इसे क्या हुआ, फोकस नहीं हो रहा शायद, एक मिनट, हाँ अब हो रहा है। तो भाई ऐसा कुछ है, इसी को लेना उसको मत लेना, वो बेकार है बिल्कुल, इसे एक बार और टेस्ट करता हूँ और फाइनल रिव्यू दे देते हैं आपको। भाई तगड़ी है बिल्कुल, भाई अच्छी है बहुत, बिल्कुल ही चोको बार है तो छोटी 5 रुपये वाली, ठीक है ना। तो भाई जीत गई ये और सब हार गए इसके सामने, इसकी बहन ही ठीक नहीं भाई, इसके सामने ये इसकी बहन थी जो चॉकलेट फ्लेवर थी और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थी, शायद बेकार थी बिल्कुल ये, भाई अच्छी लगी मेरे को ये खाना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना, आपको वीडियो देने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को भी चॉकलेट फ्लेवर पसंद है या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है तो कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है और क्यों पसंद है, ठीक है भाई। मेरे को तो इसकी हार्ड कवरिंग की वजह से और ये अंदर का अच्छे टेस्ट की वजह से ये पसंद आई, और इसकी शक्ल भी काफ़ी अच्छी है और ये पिघली भी नहीं जल्दी से, तो हर चीज़ मैटर करती है। तो भाई मुझे को तो चॉकलेट वाली पसंद आई, और आपको कौन सी पसंद आई कमेंट करके बताना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं थी, हमने अपने पैसों से खरीदा ताकि आपको बता सके क्या चीज़ सही है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। बाय बाय दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अलविदा, अगली वीडियो का इंतजार करना क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। बाय बाय।